ब्लू क्रोसाओ कहें या फिर कहें ब्लू लगून, ये बहुत ही स्पेशल समर ड्रिंक आज हमने बनाया है। ये ड्रिंक आपको एकदम बहुत ही रिफ्रेशिंग कर देगा क्योंकि इसमें रिफ्रेशमेंट है मिंट की और फ्लेवर है ऑरेंज और नींबू का। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और बैचलर्स किचन हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले बनाना है हमें ब्लू क्रोसाओ सिरप, जिसके लिए हमें लेना है ऑरेंज, एक संतरे का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करना हमें संतरे का छिलका यानी जेस्ट, जिसके लिए हम इसे थोड़ा सा कद्दूकस कर लेते हैं। और हमें ग्रेट करना है संतरे का सिर्फ छिलका, इसका फ्रूट पार्ट यानी जो पार्ट हम खाते हैं वो कद्दूकस ना करें, आप सिर्फ छिलका ही इसका कद्दूकस करें, क्योंकि संतरे के छिलके के अंदर थोड़ा सा नेचुरल तेल और इसका अपना एक कड़वा स्वाद होता है जो इसके स्वाद को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। संतरे को हमने थोड़ा सा पील ऑफ करके उसका जेस्ट निकाल लिया है। अभी एक नींबू लेना है, ठीक वैसे ही एक नींबू का भी हमें जेस्ट निकाल लेना है और थोड़ा सा निकालेंगे, इसमें पूरा नींबू का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि थोड़ा सा बस एक लेमन फ्लेवर आए। संतरे और नींबू के इस जेस्ट को ट्रांसफ़र करेंगे कटोरी में। अब ऑरेंज का जो फ्रूट पार्ट है हमने उसको स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लिया है। इसके लिए आप मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसे हाथों से ही ऐसे स्क्वीज करके इसका जूस निकाल लिया है। अभी लेना है एक पैन, रखेंगे उसे मीडियम फ्लेम पर और साथ ही लेना है हमें शुगर यानी शक्कर। एक कटोरी शक्कर का यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है, एक कटोरी शक्कर का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, तो पानी भी एक कटोरी ही इस्तेमाल करेंगे। पानी और शक्कर को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देने के लिए इसको मिठास और अच्छा सा खुशबूदार फ्लेवर डालेंगे। इसमें दालचीनी 2 से 3 टुकड़े इस्तेमाल करने हैं। हमें इसे बॉईल करना है एक उबाल आने तक, जिससे इसके अंदर में गाढ़ापन भी आ जाएगा और दालचीनी का फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। एक उबाल आने के बाद डालेंगे इसमें ऑरेंज और लेमन का जेस्ट और साथ ही मैंने आधे नींबू का रस इस्तेमाल किया है, जिससे इसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन भी आए। साथ ही हमें डालना है संतरे का वो रस जो हमने पहले से निकाल कर रख लिया था, क्योंकि है ये ब्लू क्रोसाओ या फिर ब्लू लगून, तो इसके लिए इसका नीला होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने फूड ग्रेड कलर का इस्तेमाल किया है, वो है ब्लू। ये ब्लू कलर बाजार में बेहद आसानी से मिल जाता है, इस्तेमाल करेंगे हम 1 से 2 बूंद ब्लू कलर का। कलर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें उबालना है 1 से 2 और बॉयल आने तक, जिसके लिए हमें मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगेंगे। 5 मिनट बाद गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये सिरप हमारा बनकर तैयार है, हमें इसे छान लेना है। आप चाहें तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भी रखें, जिससे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग 1 महीने तक, वो भी फ्रिज में रखकर। क्योंकि हमारा सिरप तैयार हो गया है तो अभी हमें ड्रिंक बना लेना है। ड्रिंक बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है आइस क्यूब्स का, साथ ही इस्तेमाल किया रिफ्रेशमेंट के लिए हरा पुदीना यानी मिंट, और उसी के साथ मैंने 2 नींबू का इस्तेमाल किया है जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। लेने हैं हमें नींबू के 5 से 6 टुकड़े और डालेंगे उसे ग्लास में। ग्लास में डालने के बाद हम उसे पाउंड करेंगे यानी उसे थोड़ा सा दबाकर क्रश कर लेंगे। डालना है रिफ्रेशमेंट की जान यानी पुदीना। अगर आप किसी वजह से मिंट पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। डालेंगे इसमें आइस क्यूब्स यानी बर्फ। और बारी है इस रेसिपी की जान यानी ब्लू क्रोसाओ सिरप डालने की, जो हमने हाल ही में बनाकर तैयार किया है। अगर ये वाला ड्रिंक आप बनाते हैं अपने मेहमानों के लिए तो यकीनन आपके वो मुरीद हो जाएंगे। मैंने यहाँ इस्तेमाल किया 7 अप कोल्ड ड्रिंक का। आप चाहें तो स्प्राइट या फिर कोई और वाइट ड्रिंक या फिर सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 अप को डालेंगे इस गिलास के अंदर और उसके बाद इसके अंदर से निकलते हुए बबल्स की आवाज़ सुन के आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि ड्रिंक कितना रिफ्रेशिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है ऑरेंज, साथ ही हमने इस्तेमाल किया है नींबू और पुदीना, तो रिफ्रेशमेंट के लिए है ही। और बस इस आसान सी रेसिपी के साथ में हमने ये बहुत ही स्पेशल समर ड्रिंक बनाकर तैयार कर लिया है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।